वीर सिंह, गेंदा स्वामी न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, समझे? अगला आवाज पृथ्वी राज कपूर। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह मुगल सम्राट, और हमारी इतनी तौहीन कि हमारे सल्तनत में आने पर प्रवेश की इजाजत मांगते हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब राजा मुराद। ऐसा करो कि तुम मौर्य लोग चले जाओ, वहाँ एक दीपक नाम का रिक्शा वाला होगा, तुम उसी रिक्शे से बैठ के इनकम टैक्स गोलंबर आओ। याद रखो, मैं उस रिक्शे की सवारी आज करूंगा क्योंकि मेरा नाम राजा मुराद है। और देव साहब। जॉनी, देव नाम है मेरा, देव आनंद। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी, और एक मैं हूँ। अगला आवाज अजीत। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉइन के नाम से जानती है। प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, मैं भाड़ा बिठाता हूँ, प्रेम से रिक्शा चलाता हूँ, प्रेम से सवारी का भी नाम प्रेम है, मेरा भी नाम प्रेम है, इस अपार्टमेंट का नाम प्रेम है, और गार्ड का नाम भी प्रेम है। जी सर, अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने में काफी अच्छा निकाल लेते हैं आप, लालू प्रसाद यादव की आवाज निकालते हैं। जी सर, थक चुके हैं, कोशिश करेंगे। क्या क्या आप बोले, क्या चीज का निकालने का? काफी थके हुए हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल लेते हैं। ठीक है ठीक है, सुनाते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन का सुना जाए एक शराबी शराबी मूवी का डायलॉग। आटो नटो आए कमाल करते हैं, अरे मुझे तो नट्टू लाल जी के ऐसे वर्णन नहीं हुआ। तो नट्टू लाल जी, हमने सुना है कि आपकी 5 बेटियां हैं, यानी कि 50,000 के हिसाब से 2,50,000 बनता। हाँ तो सक्सेना साहब, लाइए वो चेकबुक, हम अभी साइन कर देते हैं। एक अमिताभ का डाउन दे स्टाइल। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह, आप भी कमाल करते हैं। एक अमिताभ का बहुत बहुत चर्चित डायलॉग दीवार फिल्म का, डावर साहब और अमिताभ बच्चन। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है, अगर तुम कहते तो मैं 20-30 लाख कम करवा देता। डावर साहब, शायद आपको मालूम नहीं किसी बिल्डिंग की ईटें ना अपन की मार उठाई थी, समझा? इसी तरह अमिताभ का तो बहुत सारा टिप्स है बोलने का, सांसा। एक और मूवी आया था उनका, सुना जाए आवाज। ए नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को? आए चिची गोली। लालू प्रसाद यादव की भी आवाज निकालते हैं आप। अरे सुन, पूरा पगलेट हो कर, अरे बच्चा, ये बच्चा मोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे लागल लागल झुलनिया पर ढक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो काफी अच्छे तरीके से लालू प्रसाद यादव का इन्होंने आवाज निकाला, अभी काफी थके हुए क्योंकि रिक्शा भी चलाते हैं और मिमिक्री भी करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवाज कभी ट्राई किया आपने निकालने का? मैं बचपन में तो फिल्म अभिनेताओं का मूवी देखता था, तो मैं फिल्म अभिनेताओं का मतलब इजी से निकाल लेता था। अब मैं इधर थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा मोदी जी का। हाँ सुनिए, आप कोशिश कर रहा, रिहर्सल चालू है मेरा अभी, रिहर्सल ही है। हाँ रिहर्सल है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं मोदी जी का मतलब मिमिक्री कर पा रहा हूँ या, तो जनता बताएंगे, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पटना के सड़कों पर
एक ऐसा रिक्शा चालक है जो 20 साल से रिक्शा चला रहा है। ये उसका संघर्ष जारी है। मित्रों, मैंने कोरोना काल में लॉकडाउन लगवाया। धन्यवाद। तो काफी अच्छे तरीके से मोदी जी का भी आवाज इन्होंने निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आप इतने सालों से रिक्शा चला रहे हैं और अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या बिहार में जिस तरह से बदलाव हुआ, आपको कौन सा नेता बिहार का सबसे अच्छा लगता है? सर, मैं ये सब क्या बताऊं, मैं तो रिक्शा चालक हूं, बस मेरा तो बस यही उद्देश्य। आप गली मोहल्ला सब घूमते हैं, देखते होंगे कि पहले के बिहार में आपके बिहार में क्या अंतर है, कौन सा नेता आपको पसंद है? अब ये कैसे, हम तो अंतर देख रहे हैं कि बहुत सारा पुल वगैरह बन गया है, रोड काफी विकास हो रहा है। वो तो बोलवे के नीतीश बाबू को विकास पुरुष कहा गया है। अब तो ईश्वरी डिप्टी सीएम बन गए। हां हां, तो फायदा किया है। एक अगर लास्ट में मैं आप लोग को यूपी का सीएम इनका अरविंद केजरीवाल का आवाज सुना जाए। अरविंद केजरीवाल तो पानी पीकर गला साफ करके उसके बाद, नहीं थके हुए ना, गला साफ नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ धन्यवाद। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हर आदमी के पास एक अच्छा आवास होगा, तो मैं समझूंगा कि एक आजाद भारत का निर्माण हो सका। धन्यवाद। तो ये दीपक जी थे, रिक्शा वाले, और योगी जी की बात कर रहे हैं। अब योगी जी धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं। दीपक जी, हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप हमारे यूपी में आए। अभी श्री राम मंदिर का जोरों शोरों से निर्माण चल रहा है। मैं योगी, मैं चाहता हूं कि अगले साल से लोग श्री राम जी का दर्शन करें। मेरा तो आना बिहार आना जाना बड़ा कम होता है, लेकिन मैं थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, काहे कि थक चुके हैं। टीवी पर और कई शो में मिमिक्री करते हुए कई आर्टिस्टों को आपने देखा होगा, लेकिन कभी रिक्शा पर मिमिक्री करते लोगों को देखा है आपने? आप देखिए, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो रिक्शा चलाते हैं और इनका नाम है दीपक रिक्शा वाला, और इनकी मिमिक्री सुनकर आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट की तरह ये मिमिक्री करते हैं, और कई जो फिल्म के अभिनेता हैं उनकी आवाज़ निकाल लेते हैं, कई राजनेता की आवाज़ निकाल लेते हैं, और इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। हमारे साथ दीपक रिक्शा वाला हैं। दीपक जी, सबसे पहले बिहार तक पर आपका स्वागत है, और ये बताइएगा किस तरीके से आप कितने सालों से इस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं? मैं जब 10 साल का था तो मैं मिमिक्री किया करता था, मतलब मूवी वगैरह देखता था तो मिमिक्री किया करता था। उसके बाद मतलब मिमिक्री से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गरीबी के कारण, जब कहते हैं ना जब पेट में रोटी नहीं रहता है, तो फिर मिमिक्री से नफरत हो गया। फिर 15 साल की उम्र में पटना आए, उसके बाद वही रिक्शा चला रहे। कहाँ से पटना आए? वही गोमो से ट्रेन चलता है, गोमो से पटना। हाँ, वो शायद गंगा दामोदर हटिया पटना ट्रेन है, बस उसी ट्रेन से आए थे। तब से रिक्शा चला रहे हैं, माँ बाप का जीवन यापन कर रहे हैं, माँ बाप को किराया पे रखे हुए हैं, किराया के रूम में रह रहे हैं, पटना में रहते हैं। हाँ 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 जी। तो किन किन अभिनेताओं का आवाज निकालते हैं जरा सुनाइएगा? मैं 50 प्लस का मतलब निकाल लेता हूँ।